हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर 1996 और इस्लामिक कैलेंडर 1416 और 1417 हिजरी कैलेंडर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ पे तो इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में। जब भी आप इस वीडियो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा मेरे चैनल के ऊपर तो आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप आराम से उसको चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी का महीना यहाँ पे 1996 का यहाँ पे, और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे जो मंथ जो आ रहा है वो शाबान का रमज़ान का महीना यहाँ पे आ रहा है। तो रमज़ान की जो पहली तारीख है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे, जैसा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लू लाइन में वो सब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, मतलब पहली तारीख इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे है। और उसके नीचे जो लिखा हुआ है 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो लिखा हुआ है वो उर्दू कैलेंडर के तारीख के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब जो तारीख जो दिया हुआ है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो ब्लू में लिखा हुआ वो, और नीचे जो ब्लैक में जो लिखा हुआ वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, मतलब उर्दू मंथ जो उर्दू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ जो आएगी इस मंथ के अंदर उसके हिसाब से यहाँ पे तारीख दी हुई। तो जैसा इस मंथ के अंदर शाबान का रमज़ान का महीना यहाँ पे है, तो रमज़ान की जो पहली तारीख है वो 22 जनवरी 1996 को यहाँ पे मंडे का दिन था, यहाँ से रमज़ान स्टार्ट हुआ था। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे है फरवरी का महीना, तो फरवरी के महीने में यहाँ पे रमज़ान है और शावाल है। शावाल की जो पहली तारीख है यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब वो जिन है वेनसडे का दिन है यहाँ पे 21 फरवरी 1996 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे। और इस मंथ में 2 मंथ आ रहे हैं, मतलब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे 2 मंथ आ रहे हैं यहाँ पे इस महीने के अंदर। तो शावाल की जो पहली तारीख है वो 1 तारीख को मतलब यहाँ पे इस दिन से स्टार्ट होती है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे मार्च का महीना। यहाँ पे मार्च के महीने यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे शावाल का दुलकद्दा का महीना यहाँ पे है। तो इसकी जो पहली तारीख है यहाँ से स्टार्ट होती है और 21 मार्च दीनदार थर्सडे का इस दिन से यहाँ से स्टार्ट होती है ये महीना। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रैल, अप्रैल में यहाँ पे दुलहिज्जा की जो पहली तारीख है और इस दिन से यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो 20 अप्रैल 1996 और इस दिन से यहाँ से पहली तारीख है यहाँ पे दुलहिज्जा की यहाँ पे। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट मंथ यहाँ पे क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे जो है मई का महीना यहाँ पे, इसमें इस महीने के अंदर यहाँ पे दुलहिज्जा मुहर्रम का महीना है। तो मुहर्रम का जो पहली तारीख है वो इस दिन से यहाँ से स्टार्ट होती है। तो 19 मई 1996 को यहाँ से मुहर्रम की पहली तारीख है, मतलब इस्लामिक न्यू ईयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। हमारे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल जो रहता है मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो ये मुहर्रम का महीने की मतलब पहली तारीख है यहाँ पे, तो इस दिन से स्टार्ट हुआ था मुहर्रम का महीना। और इसके हिसाब से 10वीं तारीख यहाँ पे आशूरे के दिन यहाँ पे मुहर्रम की तारीख मतलब मुहर्रम के मंथ के हिसाब से यहाँ पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जून है, तो जून के महीने के हिसाब से यहाँ पे मुहर्रम और सफर, सफर की जो पहली तारीख है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सफर की पहली तारीख 18 जून और दिन है ट्यूजडे का, वहाँ से सफर की पहली तारीख है उर्दू कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे जुलाई, तो जुलाई के महीने के अंदर सफर और रबीउल अव्वल का महीना है। तो रबीउल अव्वल की जो पहली तारीख है वो 18 जुलाई 1996 को यहाँ पे स्टार्ट होती है और दिन है थर्सडे का यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अगस्त, तो अगस्त के महीने में यहाँ पे रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर का महीना है यहाँ पे। तो रबीउल आखिर की जो पहली तारीख है वो इस दिन से स्टार्ट होती है, मतलब इस दिन पे यहाँ पे आती थी यहाँ पे। तो 17 अगस्त 1996 और दिन है थर्सडे सॉरी सैटरडे का यहाँ पे, और पहली तारीख है रबीउल आखिर की। नेक्स्ट है यहाँ पे सितंबर, सितंबर के महीने के अंदर यहाँ पे रबीउल आखिर और जुमादिल अव्वल का महीना है यहाँ पर। जुमादिल अव्वल का जो पहली तारीख है इस दिन पे यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इस दिन पे मतलब 15 सितंबर 1996 को पहली तारीख है यहाँ पे रबीउल अव्वल की यहाँ पे, और इस दिन जो दिन था वो संडे का दिन यहाँ पे है। तो अभी नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अक्टूबर, तो अक्टूबर के महीने में यहाँ पे जुमादिल अव्वल और जुमादिल आखिर का महीना है यहाँ पे। जुमादिल आखिर की जो पहली तारीख है वो इस दिन से यहाँ स्टार्ट होती है। तो मतलब 1 तारीख जो आती है वो मंडे के दिन यहाँ पे आती है, 14 अक्टूबर 1996 को यहाँ पे पहली तारीख है जुमादिल आखिर के महीने की, और जो दिन है मंडे का दिन यहाँ पे है।
तो यहाँ पे आपको स्लो, यहाँ पे अगर आपको देखना है अक्टूबर के महीने में दूसरी कौन सी तारीख को किसका इंतकाल हुआ है, किसका बर्थडे है, आपको जानना है कौन सी तारीख को था, कौन सा महीना था इस्लामिक कैलेंडर के साथ, यहाँ पे उसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को स्लोली स्लोली आप उसको पॉज करके भी यहाँ पे आराम से देख सकते हो। तो नेक्स्ट है यहाँ पे नवंबर, तो नवंबर के महीने में यहाँ पे आप देख सकते हो जुमादिल आखिर का रजब का महीना यहाँ पे, तो रजब की जो पहली तारीख है वो है 13 नवंबर 1996 का यहाँ पे, और वो दिन है वेनेसडे का। उस दिन पे यहाँ से 1 तारीख थी रजब की महीने, रजब के महीने की। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रहा है वो दिसंबर का महीना है, यहाँ पे दिसंबर के महीने में यहाँ पे रजब और शाबान का महीना, तो शाबान की जो पहली तारीख है वो 1 तारीख जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है, और जो दिन था वो फ्राइडे का दिन था यहाँ पे, और 13 दिसंबर 1996 को फ्राइडे का दिन था, उस दिन पे शाबान की पहली तारीख यहाँ पे थी इस दिन को। तो अगर आपको इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए, या आपको इसके अलावा कोई कैलेंडर के फोटोज चाहिए या वीडियो कुछ चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो इसके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा क्या उस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो बना के अपलोड करूँ यहाँ पे। तो ये जो मैंने वीडियो जो बनाई, भाई ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किए थे, तो इसलिए मैंने उनके लिए यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड किया यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।